जाते कि सबसे बड़ी गलती जो कोई भी एक पर्सन अपनी फिटनेस जर्नी में कर सकता है वो ये है, डायरेक्टली फिटनेस के ऊपर जंप कर जाना। आपको वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, फैट लॉस करना है, आपका कोई भी गोल है, अगर आप डायरेक्टली उस पर जंप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वेट लॉस करना है और आपको लगता है आप वर्कआउट सेशन ज्वाइन करके और डाइट को फॉलो करके आप अपना वेट लॉस कर लेंगे, मे भी कर लें, बट मे नॉट बी आपका वो सस्टेनेबल हो। क्या पता वो आप थोड़ी देर तक तो वेट लॉस कर सकें, उसके थोड़ी देर के बाद आप उसको सस्टेन ना कर सकें, उसको ज़्यादा देर तक ना रख सकें। तो सबसे बड़ी गलती फिटनेस जर्नी में ये होती है, क्योंकि देखिए आप एग्जांपल देखिए, आप बचपन में आप जब इंग्लिश सीखते हैं तो आप डायरेक्टली सेंटेंसेस बनाना नहीं सीखते हैं, आप ए बी सी डी से स्टार्ट करते हैं। सिमिलरली फिटनेस की एक लैंग्वेज है, फिटनेस की एक थ्योरी है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, डाइट के बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है, वर्कआउट योगा इन सब के बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है, सो दैट आपको एक पुश मिले, एक स्टार्ट मिले और सस्टेनेबिलिटी मिले, है ना। अगर आपको फाइनेंशियली रिच होना है, आपको पैसा कमाना है, आप डायरेक्टली करोड़पति नहीं बन सकते, आपको छोटी छोटी बेसिक को समझना पड़ेगा, बिल्ड करना पड़ेगा, तब जाके आप अपना फाइनेंशियली रिच हो सकते हैं, फाइनेंशियली फ्रीडम पा सकते हैं। सिमिलरली आपका फिटनेस में भी होता है, सिमिलरली कोई भी एरिया के अंदर ये एप्लीकेबल है। आपको कोई भी चीज़ अचीव करनी है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स, जब वो पैसा क्यों ना हो, जब वो फिटनेस क्यों ना हो, आपकी हेल्थ, आपके रिलेशंस, यू हैव टू बिल्ड अ लेयर, है ना। डोंट जंप डायरेक्टली ऑन टू द यू नो द एडवांस स्टफ, द प्रैक्टिकल स्टफ, लर्न देन एग्जीक्यूट। सी यू टुमारो।